हे गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। स्वागत है आपका मेरे चैनल अशरफ बाइक डॉक्टर पर। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, हमारे पास में जो है HF डिलैक्स बाइक है, BS6 है और इसके अंदर जो है इंजन चेक लाइट प्रॉब्लम आ रही है। तो आज मैं उसको सॉल्व करने के बारे में बताने वाला हूँ। और हमारे पास में जो है OBD स्कैनर भी है, तो इसी की मदद से आज मैं आपको बाइक रिसेट करके दिखाऊंगा और इंजन चेक लाइट प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो मेरे पास में काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई इंजन चेक लाइट पे वीडियो बनाओ, इंजन चेक लाइट पे वीडियो बनाओ। तो फाइनली आज मैं वो वीडियो बना रहा हूँ। और मुझे काफी भाई बोलते हैं कि भाई आप वर्कशॉप पे वीडियो नहीं बनाते हो, तो मैं आपको बता देता हूँ, हमारी वर्कशॉप पे जो है मोटर चलते रहते हैं, तो इस वजह से मेरी जो वॉइस आपको क्लियर सुनाई दे, इस वजह से मैं बाहर आके वीडियोज बनाता हूँ, दुकान पे वीडियोज नहीं बनाता हूँ, नहीं तो मेरी वॉइस आपको सुनाई नहीं देगी। तो आइए हमारे पास, मैं आपको प्रॉब्लम दिखा देता हूँ क्या है इसके अंदर। तो इसके अंदर जो है यहाँ पे इंजन चेक लाइट प्रॉब्लम आ रही है, आपको दिखाई दे रहा होगा। और जब हम स्टार्ट करते हैं तो ये लाइट हटनी चाहिए, लेकिन इसमें से रिमूव नहीं हो रही। तो मैं आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, अभी मैंने इसको फाइनली स्टार्ट कर दिया है, और स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे जो है इंजन चेक लाइट इशू आ रहा है। तो इसको कैसे रिमूव करें वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो इसको सबसे पहले हमें यहाँ पे जो है बंद कर देनी है, और बंद करने के बाद यहाँ पे जो है एक सेंसर का ये लगा हुआ है सॉकेट, ये वाला, तो इसी के अंदर हमें स्कैनर लगाना है। और कैसे लगाना है मैं आपको बता देता हूँ, पूरी वीडियो एंड तक वॉच करना, और तभी आपको समझ में आ पाएगा कि कैसे रिसेट करें और कैसे इंजन चेक लाइट प्रॉब्लम सॉल्व करें। तो चलो, ये दोनों जो है अलग अलग आते हैं, और इसको जो है हमें यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है। ऐसे करके हमने यहाँ पे जो है इसको जोड़ लिया है, और जोड़ने के बाद अभी हमें जो है इसे बाइक में कनेक्ट करना है। तो आइए मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ, इसके अंदर हर बाइक का अलग अलग सॉकेट है, और हमें इस वाली बाइक में लगाना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ से इसको कैप को निकाल लेना है। ये देखिए, मैंने यहाँ से कैप को रिमूव कर लिया है, और कैप को रिमूव करने के बाद आपको इसके अंदर देखने हैं कि कितने तार है। जितने इसके अंदर तार है उतने ही वाला सॉकेट आपको लगा देना है इसके अंदर। तो अभी मैं देख लेता हूँ इसके अंदर कितने तार है। तो फाइनल इसके अंदर जो है ये वाला सॉकेट लगेगा, तो मैं इसको लगा देता हूँ। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। इसके ऊपर लिखा हुआ है हीरो, तो मतलब ये हीरो की बाइक में यूज होगा। तो चलिए इसको लगाते हैं। ये देखिए, सबसे पहले मैंने इसको यहाँ पे जो है लगा दिया है, और लगाने के बाद अभी जो है इसके अंदर कोई भी लाइट नहीं आ रही है। तो यहाँ से हमें जो है चाबी को ऑन कर लेना है, और ऑन करने के बाद अभी इसके अंदर जो है लाइट आनी शुरू हो चुकी है। देखिए, थोड़ा नज़दीक ला के दिखाओ। तो यहाँ से जो है हमारा लिखा हुआ आ रहा है डिसीजन, तो डिसीजन पे हमें ओके कर देना है। और अभी जो है हमारी यहाँ पर पूरी बाइक जो है वो स्कैन होगी, और स्कैन करने के बाद हमें रीसेट का ऑप्शन मिलेगा, और प्रॉब्लम का भी सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए पहले देखिए, तो अभी जो है हमारे यहाँ पर जो है ये देखिए ये वाला ऑप्शन आ रहा है लिखा हुआ दूसरे नंबर का, तो हमें यहाँ पर जो है ओके करना है। और ओके करने के बाद अभी हमें यहाँ पे लेके आना है नीचे, देखिए यहाँ से जो है दूसरे नंबर पे लेके आना है रीसेट पे। तो यहाँ से हमें फिर से ओके कर देना है, और अभी जो है यहाँ पे बता रहा है क्लियर रीसेट, तो यहाँ से हमें ओके कर देना है, और ओके करने के बाद फिर से ओके कर देना। और अभी यहाँ पे जो है प्रोसेसिंग चालू हो चुकी है, और हमारी बाइक जो है वो क्लियर ऑल हो चुकी है। तो चलिए अभी आपको रीसेट स्टार्ट करके दिखाते हैं, और इंजन चेक लाइट प्रॉब्लम जो है वो आपको दिखा देता हूँ। तो आइए, तो देखिए अभी यहाँ पे जो है चाबी को ऑन करने के बाद यहाँ पे लाइट आ रही है, और अभी स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, अभी जो है फाइनली यहाँ से लाइट जो है वो रिमूव हो चुकी है, और बाइक हमारी जो है वो स्टार्ट है। तो फाइनली अभी जो है हमने बाइक को रिसेट कर दिया है, और आपको हमने पूरी वीडियो के अंदर बता दिया है कि बाइक को कैसे रिसेट करना है, और इंजन चेक लाइट भी हमारी जो है वो रिमूव हो चुकी है। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।